सुन रहे हो रेडियो धमाल निंदर को ज्ञान भी वालों सत श्री अकाल। पेश करते हाँ पॉजिटिव खबरां ते मुल्क विच यानी भारत 2024 दियां लोकसभा चोणां नूं लैके माहौल पकदा जा रहा है। चोण जाबता लागू करवाउण लई चोण अबजरवर भी अप्पड़ चके है। खबरां च कहा गया है कि आम आदमी पार्टी अपने ऐलाने 8 उम्मीदवारां विच्चों 2 दियां टिकटां दे उम्मीदवार बदल सकती है। अमृतसर साहब तो कुलदीप धालीवाल ते पटियाला तो डॉक्टर बलबीर सिंह की थान नवे उम्मीदवार ऐलाने जा सकते हैं। इस बारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पार्टी के उच्च अहुदेदारां नाल सलाह मशवरा कर रहे हैं। एक होर कांग्रेसी MLA मुख्यमंत्री मान के संपर्क च है ते अज या कल आम आदमी विच शामिल हो सकता है। अमृतसर साहब तो खबर वारस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में पंजाब तब्दील कराने की मांग नूं लैके हैरीटेज स्ट्रीट वड्डा इकट्ठ किया गया, जिस केंद्र ते पंजाब सरकार ते सिख विरोधी होने के दोष लगे। इस दौरान एक मता पास करके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं अपील की गई है कि वह पांच सिंघां नूं डिब्रूगढ़ जेल भेज के अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों वालों की जा रही भुख हड़ताल नूं खत्म करवाउण लई अगे आउण। किसानां नाल जुड़ियां खबरां संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी ते किसान मजदूर मोर्चा वालों प्रोग्राम लीके गए है। 35वें दिन भी शंभू बॉर्डर ते किसान डटे रहे। लोकसभा चोणां दे ऐलान नाल ही चोण जाबता लगन बाद शंभू बॉर्डर ते किसानां ने प्रधानमंत्री दे पुतले फूके ते कहा कि असी हक लैके रहांगे। इस तरह किसानां ने देश की हुकूमत विरुद्ध अपना गुस्सा प्रगटाया है। मुड़ सत्ता च आउण दीआं मोदी दीआं आसां देश दे लोक इस पुतले वांग ही राख करनगे। किसानां ने कहा है कि किसान देश दा अन्नदाता है, लोगों का ढिड भरदा है, पर साडे ढिड ते लत ना मारी जाए। किसानां ने कहा कि 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह उसके साथियों सुखदेव ते राजगुरु का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। किसान शहीदी दिहाड़ा भगत सिंह दा बॉर्डरां उत्ते ही मनाउणगे। मानसे दे मूसे पिंड लै चलदे हाँ। शुभदीप सिद्धू मरहूम गायक दे परिवार च उस समय खुशियां आई हैं जदों उन्हां दी माता चरण कौर की कुखों कल बच्चे ने जन्म लिया है। उन्हां दे पिता बलकौर सिंह ने अपने छोटे पुत दे जन्म तो बाद सोशल मीडिया ते तस्वीरां पाईयां। देश विदेश तो अणगिणत लोगों ने वधाईयां दित्तियां। मूसे वालां नूं चाहुण वाले प्रशंसकां लखां करोड़ां असीसां देण वालियां सदका अकाल पुरख ने शुभ दा छोटा वीर साडी झोली पाया। उसके पिता ने कहा वाहिगुरु की कृपा नाल परिवार तंदुरुस्त है। अज गुरदास मान भी उन्होंने पिंड वधाई देन पुजे। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पुजे। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भी वधाई दिती है। भंडा ने भी उत्थे रौनक लाइया और मरासिया ने नच नच के गाउण गाए। पटाके भी चले, ढोल भी वजे, पूरी रौनक पिंड मूसे विच इस वेले दिखाई दे रही ने। वख-वख मालवे दे खेतरां तो खबरां के पिंडां दीआं पंचायतां प्रमुख नागरिकां ते समाज सेवकां ने कहा कि लोकसभा चोणां दौरान नशियां दे बाईकाट दा सद्दा दित्ता गया है। इस संबंधी वख-वख मीटिंगां च मोहतबरा ने कहा है बीते समय दौरान तकरीबन सारिया ही राजनीतिक पार्टियां दे आगूआं वल्लों चोणां समय कीते गए वादे पूरे नहीं होए। उह सरकार बणदे सार नशियां नूं पूरी तरह ठल पाउणगे। केजरीवाल ने कहा सी, कैप्टन ने कहा सी, बादलां ने कहा सी, पर जिहदी जिहदी सरकार बनती है मुड़ के ये पुछदे तक नहीं ते जिहड़े इदां करदे है उहनां नूं असीं बिल्कुल वोटां नहीं पावांगे। खबरां चंडीगढ़ तों चोण जाबता लागू हुंदे सार पंजाब भर चों सरकारी ते जनतक थावां ते लगे करीब 19,000 फ्लैक्स बैनर ते पोस्टर ला दित्ते गए है जिन्हां ते मुख्यमंत्री वजीरां सियासी आगूआं दीआं फोटोआं सन। चोण कमिशन दे हुक्मां ते चोण जाबता लागू होण तों 24 घंटे दे अंदर अंदर सरकारी दफ्तरां आदि तों सियासी नारे ते पोस्टरां नूं लाया गया। मुख्यमंत्री अधिकारी पंजाब दे दफ्तर कोल सूबे भर दे चोण जाबते दी पालना दी रिपोर्ट भेज रहे हैं। जानकारी है कि प्रशासन ने वख-वख जिलों के DC ने SSP ने पंजाब भर च सरकारी ते जनतक संपत्ति ते 21,878 फ्लैक्सां पोस्टर बैनर ते नारियां आदि की निशानदेही की, जिन्हों 18,645 लाए गए और दसिया गया कि वख-वख थावां ते लीडर एक दूजे नूं वधाईयां देण वास्ते वड्डे वड्डे अपने बोर्ड ला दिंदे सन और हुण इन्हां नूं लाउण पिछों इउं लगन लग्या जिवें पंजाब दे चौंक ते गलियां ते चौराहे ते महल्ले खाली खाली ते खुले खुले हो गए है। इस तों इलावा यह भी दसिया गया कि चोण अंबैसडर चोण कमिश्न वालों थापे गए ने लोगों नूं वोटां पाउण वास्ते अपील करनगे ते नाल दी नाल यह भी कहणगे कि नशे या रिश्वत की गिरफ्त विच बिल्कुल ना आया जाए। निंदर को ज्ञान भी तो रेडियो धमाल ते तुसी पॉजिटिव खबरां सुन रहे सी। अंत उत्ते मौसम दा हाल दस दईए, कल बदल सन,
अज तिखी करड़ी चंगी चौखी निघी धुप निकली है। सवेरे हल्की हल्की ठंड सी और अथने हल्की हल्की ठंड हुंदी है। मौसम जिहड़ा है लगातार हुण गर्मी वल नूं जांदा दिखाई दिंदा है और खेतां दे विच कणकां दी फसल बहुत सोहनी सुनक्खी खड़ी है। आउण वाले दिनां विच इह हुण सुनहरी भा मारन लग पएगी ते फिर वाढ़ी दे दिन आ जाणगे। अज दीआं खबरां मुकदीआं, मिलदे आं कल नूं। सत श्री अकाल, धन्नवाद।